दमोह जबलपुर मार्ग के खस्ता हाल होने के कारण यहां पर से आवागमन करने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर नोहटा के पास के पुल के करीब की सड़कों के हाल बेहाल हैं। यहां पर काफी बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसके बावजूद यहां पर कोई रिपेयरिंग का काम नहीं किया जाता। इस कारण से यहां पर परेशानियां हो रही हैं। यहां से आने जाने वाले वाहनों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और छोटे वाहन चालक तो इन गड्ढों की वजह से काफी परेशान होते हैं, लेकिन इनकी सुध लेने वाला नहीं। पूर्व के दिनों में कुछ नेताओं के द्वारा टोल नाका पर धरना प्रदर्शन करके इस मार्ग को रिपेयर करने का काम करवाया गया था, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से यह मार्ग बारिश के दौरान खराब हो गया है। ऐसे में यहां से निकलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या एक बार फिर इसी तरह से जन आंदोलन की आवश्यकता है, जिससे कंपनी के अधिकारी जो टोल वसूलते हैं वह चेत जाएं और इन मार्गों का सुधार करें। अब ये टोल टैक्स तो हम लोगों को देना ही पड़ता है जी सर, किंतु आने जाने में आप स्वयं देख रहे हैं कि कम से कम दो दो फीट के गड्ढे हैं। बच्चों को लेके नहीं जा सकते, गाड़ियाँ इतनी उचक रही हैं, रोडों का कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है और टोल टैक्स बराबर लग रहा है। अभी आप गाड़ी लेके आए हैं, कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत, अब जैसे आ रहे हैं, हमें एक घंटे में पहुँचना चाहिए दमोह से जबेरा, जिसमें हमें दो घंटे सवा दो घंटे लग जाते हैं जबेरे तक पहुंचने में। काफ़ी गड्ढे हैं, बहुत ज़्यादा गड्ढे हैं। टोल आपको बराबर लगता है सर? टोल तो बराबर दे रहे हैं, बिना टोल के तो आने जाने नहीं। टोल वाले भी नहीं सुन रहे, उनसे भी बोला कि भाई टोल हम किस बात का दें, आप रोड का तो करवाइए, आप आवाज़ तो बुलंद कीजिए आपके, भाई रोड तो ख़राब है, गड्ढे गड्ढे हैं, गड्ढे में चल रही गाड़ी, रोज सड़क पर चल ही नहीं रही गाड़ी। आपकी गाड़ी का नुकसान अभी कुछ हुआ है क्या? हाँ, हमारी गाड़ी का सस्पेंड टूट गया था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे सर? मैं दमोह से जबेरा जा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है सर? रघुनंदन तिवारी। ठीक है, परेशानी भैया पूरी रोड की हालत पूरी खस्ता ही, आप देख लीजिए खुद गड्ढे, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे कि गाड़ी निकालना मुश्किल हो जा रहा है और बाकायदा पूरा टोल लिया जा रहा है। अभी कहीं कहीं गड्ढे भरे गए हैं तो कहीं कहीं एकदम इतनी बुरी रोड है कि बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों को। छोटी गाड़ी वाले हैं, कहीं पट्टे टूट गए, कहीं कुछ हो गया और हादसे भी बहुत होने लगते हैं कभी भी। बारिश के समय ऐसी समय में सही नहीं होगी रोड तो कब होगी? कौन सा गांव है ये? ये सर नोटा का, नोटा है, मतलब नोटा में खड़े हैं अभी अपन प्रेजेंट में। अभी आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम दमोह जा रहे हैं, तो अभी कुछ दिन पहले जबलपुर से अपने ये नोटा के पहले तक 17-27 मील कौन सा गांव पड़ता है वहाँ तक रोड बना है, उसके बाद पूरा रोड ये गड़बड़ है, फ्री में टोल ले रहे हैं। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से? प्रशासन से ये चाहते हैं कि रोड बाकायदा जैसी थी वैसी बनाई जाए या तो टोल बंद किया जाए, जबरदस्ती का टोल लिया जा रहा है। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अजहर नाम है सर, कटंगी गाँव में।